आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। जगदीशपुर बरडीहा विद्यार्थी इंटरमीडिएट कॉलेज जगदीशपुर बरडीहा के प्रधानाचार्य तथा उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री जगदीश पांडे तथा ओमकार मिश्र सहायक अध्यापक की गुरुवार को अवकाश प्राप्त होने पर भावभीनी विदाई दी गई। एक शिक्षक तथा शिक्षक नेता के रूप में बेहतर सेवा देने के बाद दोनों लोग आज सेवानिवृत्त हो गए हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा समाप्त होने के बाद विद्यालय परिसर में स्कूल के शिक्षकों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने अवकाश ग्रहण करने वाले शिक्षकों के योगदान पर प्रकाश डाला और दोनों को शिक्षा के क्षेत्र का कर्मयोगी बताया। गौरतलब हो कि विद्यार्थी इंटरमीडिएट कॉलेज जगदीशपुर बरडीहा में दोनों अवकाश ग्रहण करने वाले प्रधानाचार्य तथा शिक्षक को विद्यालय के स्टाफ ने फूल मालाओं से अभिनंदन करते हुए उत्तरी प्रदान के स्वागत किया। इस अवसर पर डॉक्टर जयप्रकाश मणि त्रिपाठी, पुनीत सिंह, सौरभ पांडे, प्रदीप मिश्रा, रजनीश त्रिपाठी, पंकज मिश्रा, संतोष चौधरी, विनय दुबे, पंकज मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। आप देख रहे हैं कुशीनगर से पंकज पांडे की रिपोर्ट। लेकर गीले हो जाते हमने भी समाज कब क्या था, शिक्षक का करंट समाज में था। आज की तारीख में जब समाज से हमारा करंट कम होगा तो जो हमारी अपेक्षा है, जो समाज की अपेक्षा है, वो पूरी नहीं होगी। मैं इतना विनती करूंगा कि शिक्षा को जो शिक्षक से अपेक्षा है, दूसरी एक बात छोड़ दीजिए, शिक्षा को जो शिक्षक से अपेक्षा है, व्यापारी, धूर्त, झूठ बोलने वाले बहुत तरह के लोग विद्यालय में, लेकिन आचरण की भाषा के साथ जो शिक्षक है, शिक्षा को ऐसे ही शिक्षक की आवश्यकता है। और आप ऐसा ही शिक्षक बनने की कृपा करिए जो शिक्षा चाहती है। समय बहुत विलंब हो रहा है, निश्चित तौर पर उद्बोधन का समय नहीं है, क्षण बहुत भावुक है। हम अपने प्रिय विद्यार्थी डॉक्टर प्रमोद पांडे के प्रति भी, सभी आगंतुकों के प्रति, अपने अनुज नंदा पांडे जी, अब आप समझ लीजिए कि क्या समाज का मूल्यांकन है कि आप यहाँ पूर्वांचल ग्रामीण बैंक जगदीशपुर में शाखा प्रबंधक थे। अच्छा विद्यार्थी, उन दिनों का विद्यार्थी रहा है जब मैं पूर्ण रूप से सर्वांग शिक्षक अपने सीखा। इसके माल्यार्पण के क्रम ने मुझे भावुक किया। उस समय मुझे महसूस हुआ कि मैं सेवानिवृत्त। आप लोग आए हैं, मैं परीक्षा करा रहा था, रत्ती भर भी मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि मैं आज सेवानिवृत्त हूँ। अखिलेश शुक्ला के स्पर्श ने मुझे एहसास कराया। यहाँ उपस्थित सभी लोग शिक्षक हैं। शिक्षक संघ में काम करने के नाते दो बात मैं कहना चाहूंगा। प्रधानाचार्य के रूप में, शिक्षक संघ के पदाधिकारी के रूप में, कि आप ही हैं जिससे समाज और राष्ट्र को कोई उम्मीद बंधी रह सके। आपके अलावा कोई है नहीं इस धरती पर। देवताओं के बारे में केवल सुना है, आपने देखा नहीं है। अगर इस धरती पर कोई है तो केवल शिक्षक है जिससे समाज और राष्ट्र की कोई उम्मीद पूरी हो सकती है। इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है जिससे कोई उम्मीद समाज की और राष्ट्र की पूरी हो, चाहे वो नेता हो चाहे अधिकारी। आप सब विद्यार्थी रूप में ये पढ़े होंगे, पूरे विश्व में बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं। हांगहो जो चीन का शोक कहा जाता है, अमेजन, तो अलग अस्तित्व बना के रहती हूं, कहीं ना कहीं जाके उसको समुद्र में विलीन होना है। और समुद्र में विलीन होने के बाद पांडे जी किसी नदी का कोई अस्तित्व नहीं रहता, समुद्र कहा जाता है, वो समुद्र हो जाती है। लेकिन पूरे विश्व की अकेली नदी गंगा है जो बंगाल के खाड़ी के पास गिर करके वहां गंगा सागर बनाती है।
समुद्र में मिलने के बाद भी अपना अस्तित्व कायम रखती है वो गंगा है और वह शिक्षक है। कंडक्टर से, इंस्पेक्टर से, डॉक्टर से राष्ट्र निर्माण की उम्मीद नहीं करिए। चकबंदी के बड़े अफसर से, पीडब्ल्यूडी के बड़े अफसर से, वो छोटा मोटा पुल बना सकता है, चरित्र नहीं बना सकता, समाज नहीं बना सकता, राष्ट्र नहीं बना सकता। वो समाज और राष्ट्र बनाएगा तो केवल शिक्षक बनाएगा, और उस शिक्षक का मूल्यांकन प्राप्त होने वाले धन से मत कीजिए। आप जिस गुरुतर दायित्व में लगे हुए हैं उस पेशे के प्रति भी ध्यान रखिए, उस पेशे के प्रति ईमानदार होइए। क्योंकि मेरी अपनी सोच है कि शिक्षा अगर समाज की प्राण वायु है तो शिक्षक समाज की संजीवनी शक्ति। समाज की संजीवनी शक्ति यदि कोई है, प्रधानमंत्री नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है, मुख्य न्यायाधीश नहीं है, संजीवनी शक्ति समाज और राष्ट्र का है तो केवल शिक्षक है। और शिक्षक होने का गौरव अगर आपने खो दिया, आपके अंदर ये हीन भावना आ गई कि हमारी परलब्धि बहुत कम है, हमारा वेतन बहुत कम है, सुविधाएं हमारी बहुत कम है, तो जिस मिशन को लेकर के, और आज उसका परिणाम है,